हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल मुस्तफ़ा। आज हम क्लास नाइन्थ चैप्टर वन के प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.5 का जो चौथा प्रश्न है, हमें संख्या रेखा पर करणी में 9.3 को निरूपित करना है। इससे पहले हम संख्याएं √3, √5 अभाज्य संख्याओं को निरूपित कर चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। मान लेते हैं ये ए बी है और इसका जो डिस्टेंस है वो 9.3 है सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, बी से एक सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक और यहाँ से एक सेंटीमीटर बढ़ा देंगे, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। तो ये जो इसको मान लेते हैं सी, तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका 9.3 और ये आपका एक ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, रेखा एसी का, रेखा एसी एसी बराबर कितना है 10.3, हम इसका आधा करेंगे। तो एसी का आधा करेंगे, अगर इसका आधा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 10.3/2। ये बराबर हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 या 5.15। तो क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु पता करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बिंदु ए और सी से आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। तो हमें इस एसी का मध्य बिंदु ये पता हो गया। मान लेते हैं इस बिंदु का नाम पी है। तो चूंकि जब एसी की पूरी लंबाई 10.3 है, तो एपी का जो डिस्टेंस होगा वो 5.15 होगा। तो वैसे पीसी का भी डिस्टेंस कितना होगा, 5.15 होगा। और पूरा एसी जो है 10.3 है आपका। अब हम क्या करेंगे, बिंदु अगर ये पी से सी तक का डिस्टेंस 5.15 है, तो पी बी का जो डिस्टेंस होगा वो 5.15 में से एक घटा देंगे तो ये आएगा 4.15। अब हम क्या करेंगे, बिंदु पी से ए पी की डिस्टेंस लेकर या पी सी की डिस्टेंस लेकर, क्योंकि दोनों डिस्टेंस बराबर है, यही डिस्टेंस लेकर बिंदु पी से एक चाप ऐसे खींच देंगे और ये बिंदु एक अर्धवृत्त खींचेंगे, एक अर्धवृत्त खींच देंगे। उसके बाद बिंदु बी पर हम क्या करेंगे, 90° का कोण बनाएंगे पटरी प्रकार की सहायता से या चांदी की सहायता से। हम यहाँ पे 90° का कोण बनाएंगे, तो ये यहाँ पे कटा, जिस बिंदु पर ये काटती है मान लेती है ये बिंदु ई है, और इसको क्या करेंगे, पी से मिला देंगे ऐसे। तो ये डिस्टेंस आपका 4.15 है और ये जो डिस्टेंस होगा वो 5.15 होगा। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं सदैव क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा, वही डिस्टेंस ये भी होगा। अब ये जो बीई है आपका, यही आपका हो जाएगा 9.3, करणी में 9.3 होगा, यही बीई की जो लंबाई होगी 9.3। अगर हम इसको निकालना चाहें कि कैसे निकलेगा, तो देखिए चूँकि ये एक ये 90° है, अभी हमने 90° का कोण बनाया, तो सम कोण त्रिभुज पी बी ई से, सम कोण त्रिभुज पी बी ई से बी ई बराबर होगा, बी ई का स्क्वायर होगा कर्ण, भाई लंब का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर होगा। तो बी ई बराबर हो जाएगा, स्क्वायर जब हटाएंगे तो करणी में चला जाएगा, PE स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ PE का जो मान है वो 5.15 है स्क्वायर, माइनस PB आपका 4.15 है, 4.15 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। अब इसका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के रूप में है, तो ए प्लस बी एक में हो जाएगा और ए माइनस बी एक में हो जाएगा, ये ए माइनस बी एक में हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 1 × 1 = 2, 1 × 3 = 10.59 ये आ गया, और इसको इसमें घटाएंगे तो आएगा 1।
तो ये बराबर हो जाएगा करणे में 9.3, इतना आया। यानी ये जो बी का डिस्टेंस है वो 9.3 है। अब हम करेंगे क्या, बी ई, बी से ई का डिस्टेंस माप लेंगे और बिंदु बी से बी ई की दूरी लेकर बिंदु बी पर नोक रखेंगे और बी ई का डिस्टेंस लेकर बी पर नोक रखेंगे और एक चाप ऐसे खींच देंगे। तो ये इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे कि जिस बिंदु पर कटेगा, इसको मान लेते हैं ये जीरो है, ये जीरो है, तो यही जो डिस्टेंस होगा यही 9.3 होगा करणी में, यही 9.3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ई जो होगा वही बराबर होगा किसके, बी इसको मान लेते हैं यल, तो बी यल के बराबर हो जाएगा, बी यल बराबर हो जाएगा करणी में 9.3। इसी प्रकार हमें इसको करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है, हरों का परिमेयकरण करना है। तो इसमें फोर्थ पार्ट्स दिए गए हैं पांचवें क्वेश्चन में, जिसका फर्स्ट पार्ट है 1/√7। इसमें क्या करेंगे, यहाँ जो हर में दिया हुआ है 7, ऊपर नीचे 7 से हम गुणा कर देंगे, तो ये बराबर आएगा 7 बटा, इस 7 का गुणा 7 में अगर करेंगे तो 7 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो ये की करणी में हो जाएगा 7×7, और ये बराबर हो जाएगा 1/7 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट्स है 1/√7 −√6 दिया गया है। हम 7 −√6 जो हर में दिया है इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा √7 +√6, और यहाँ भी 7 +√6 बराबर हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा आपका 7 +√6 बटे, ये a माइनस बी एक में है, a प्लस बी एक में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे a प्लस बी अगर एक में है और a माइनस बी एक में है तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये बराबर हो जाएगा करणी में 7 +√6 बटे, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 होगा माइनस 6 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा। अब ये बराबर हो जाएगा 7 +√6 बटा, 7 में से 6 गया 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट्स सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड पार्ट्स भी ठीक इसी प्रकार है। इसका थर्ड पार्ट्स है 1/√5 +√2। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 −√2, 5 −√2, जब यहाँ माइनस प्लस रहेगा तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस से गुणा करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा 5 −√2 बटा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक में है, ए माइनस बी एक में है, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर यानी पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, इसका भी वर्ग कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा 5 −√2 बटा, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, ये माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, ये बराबर हो जाएगा 5 −√2 बटा, अब 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका हम लास्ट पार्ट्स चौथा पार्ट्स सॉल्व करते हैं। इसका चौथा प्रश्न है, चौथा पार्ट्स इसका दिया गया है, ये दे रखा है 1/√7 −2। फिर क्या करेंगे, वही कामयाबी करेंगे, या माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस का सिंबल लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 +2, 7
दो ये बराबर हो जाए। जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो आपका यही चीज़ उतर जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा अंडर रूट सात प्लस दो बटा, ये भी a माइनस बी एक में, a प्लस बी एक के रूप में है, ये भी आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट सात का स्क्वायर हो जाएगा माइनस दो का स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट सात प्लस दो बटा, अंडर रूट सात का वर्क करेंगे तो सात आएगा माइनस, और दो का वर्क करेंगे तो चार आएगा, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट सात प्लस दो बटा, सात में से चार गया तीन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।